So hello guys, once again welcome to my official YouTube channel. My name is Ajay and you are watching Government Jobs Analysis. तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि लगभग आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो हैं फिजिकल ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैसे कि हमारा फिजिकल अभी हो चुका है तो सर इसमें आगे क्या होना है या इसमें आगे रिटर्न होगा कि ट्रेड होगा। तो दोस्तों आज आपका मैं ये वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोस्तों मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, अपनी वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों खोल रखी है अपना। दोस्तों मैं आपको मैं बताता हूँ मेरा ट्रेड्समैन के बारे में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वाटर कैरियर का सबसे ऊपर है दोस्तों, ये जो तीन निशान बन रखे हैं स्टेटस का, इस पर क्लिक मारते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके नीचे दोस्तों ये लिखा, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों ये लिखा टेंटेटिव रिजल्ट्स, ये देखिए ये वाले, ठीक है दोस्तों। और इसके दोस्तों नीचे लिख रखा है प्रोविजनल रिजल्ट्स, ये देखिए। तो दोस्तों जो बच्चे चलो किसी भी कारण दोस्तों लगभग तीन अगर 100 का, दोस्तों मैं कल गया था, मेरा था चंडीगढ़ में दोस्तों, मेरा ग्रुप बना था 100 का, 100 में से कम दोस्तों लगभग बच्चे 84 बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे टोटल फाइनल, मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप के बाद दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो आउट हुए थे दोस्तों वो हाई जंप में हुए थे। हाई जंप इतना तो हाई नहीं था, लेकिन दोस्तों जिस बच्चे ने कभी भी एक बार भी मेहनत नहीं की है, कभी भी ज़िंदगी में देखा नहीं है कि हाई जंप कैसे करते हैं, करते क्या है इसको, तो दोस्तों उसी से नहीं हुआ था, उनके तीन तीन चांस के बावजूद भी उनसे नहीं हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बताऊंगा, जिन बच्चों को लगा डाउट कि यार हमें रनिंग में बाहर निकाल दिया गया दोस्तों, तो ये दोस्तों अगर आप अपना चेक कर सकते हो, अपना अपना आईडी चेक कर सकते हो आईटीबीपी के अकाउंट की दोस्तों, दोस्तों ये नीचे लिख रखा है ना, ये देखिए 1600 मीटर रन डेट, जिस डेट को आप गए थे रनिंग करने, स्टार्टिंग टाइम क्या था आपका, फिनिशिंग टाइम क्या था दोस्तों, पूरा इसमें ए टू जेड आपका टाइमिंग में बताएंगे कि कितने टाइम में आपने शुरू किया, कितने टाइम में ख़त्म किया। उसके बाद 1600 मीटर का रिजल्ट क्या आया आपका, हाई जंप आपने जो किया था, लॉन्ग जंप में क्या रिजल्ट आया आपका, हाई जंप में क्या रिजल्ट आया दोस्तों, तो हर एक चीज़ बताएंगे नीचे दोस्तों। ये देखिए PHT, हाइट वेट चेस्ट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर नीचे बता देंगे कि आपके हाइट वेट चेस्ट की इतनी थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा दोस्तों कि जिन बच्चों का रह गया दोस्तों वो वहाँ पे नीचे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, यहाँ पे वो नीचे चेक कर सकते हैं कि उनका नीचे क्या बना है। पर दोस्तों मैं ये कहूँगा कि 100 में से बहुत ही कम बच्चे थे यार, कोई 2-4-5 बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था रनिंग में, क्योंकि रनिंग थी सभी क्वालिफाई कर ले रहे थे दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बताऊँ कि जो आपके हाइट वेट चेस्ट हो रही थी वो अभी डिजिटल हो रही थी, बहुत ही अच्छी बात है, ताकि कुछ बंदे दोस्तों कुछ ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि वो हाइट गलती से हमारी अगर ज़्यादा हो तो कम शो होती है। तो दोस्तों ये था, और दोस्तों एक और बात बताऊंगा कि अभी जो मेन मुद्दे की बात पे आऊँ मैं दोस्तों, कि आपका जो ट्रेड टेस्ट कब होना है दोस्तों। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन में कहा था कि सबसे पहले फिजिकल होगा और उसके बाद ट्रेड होगा, स्टेज वन में फिजिकल और ट्रेड दोनों होने हैं। तो दोस्तों अगला जो होने वाला है दोस्तों वो होगा ट्रेड। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है दोस्त। आप सबसे पहले अपने माई एप्लीकेशन में जाइए, माई एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्त यहाँ पर जो देखिए ये लिखा है एडमिट कार्ड, क्लिक मारिए, उसके नीचे दोस्त यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड, ये देखिए, अरे सॉरी दोस्तों ये एक्चुअली दोस्तों ये लिखा है एडमिट कार्ड PET, इसके नीचे लिखा है दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट, यानी कि तीसरे नंबर पर ट्रेड टेस्ट होगा आपका। PET भी हो गया, PST भी हो गया, उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट दोस्तों, ये ट्रेड टेस्ट ही होगा। बाकी जो भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आएगा दोस्तों, तो मैं ज़रूर आपसे उसको बताऊँगा कि ऑफिशियल नोटिस में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ट्रेड टेस्ट होगा। जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा दोस्तों, मैं आपको यह बताऊं, सबसे ज़्यादा बच्चों ने वाटर कैरियर ही भरा क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है दोस्त। तो ट्रेड टेस्ट होना दोस्तों, कंफर्म बता रहा हूँ ट्रेड टेस्ट होगा, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दोस्तों वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू जो इनका पैटर्न है शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों, उस हिसाब से इनका ट्रेड टेस्ट होना। बाकी जो भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आता है दोस्तों आपको मैं ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तब तक दोस्तों जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों यही था, जिन बच्चों को डाउट लगता है कि यार हम किसी कारण रह गए हैं हाइट वेट चेस्ट में या किसी में 1600 मीटर में, तो दोस्तों नीचे जो लाइन दोस्तों मैंने आपको बता रखा है ना, ये नीचे लाइन जो बन रखी है यहाँ पर आपका ए टू जेड बता देंगे वो दोस्तों, बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों आपको बताना था मैंने कि ट्रेड टेस्ट कब होगा और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर गए हैं तो उनका कैसे कैसे वो शो कर सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं कि हम कितने टाइम पे आए थे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।